हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, जो है टेक्नोलॉजी बूस्टर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ऐसी खुशखबरी देने वाला हूँ जिससे आप और अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। ये खुशखबरी ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 59 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया है। जी हाँ, कल रात को ये न्यूज़ निकल के आई है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 59 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इसमें कुछ पॉपुलर ऐप्स भी है, जैसे आपकी टिकटॉक हो गया, जिसके करोड़ों यूज़र्स इंडिया में थे। माना जा रहा है कि इसके कुछ 43% ऑफ टोटल यूज़र्स इंडिया में थे, इतने तो चाइना में भी नहीं है जहाँ से ऐप निकल के आई है। इसके अलावा शेयर इट हो गया, जो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए लोग इसको बहुत यूज़ करते थे, इसके भी करोड़ों यूज़र्स इंडिया में थे। इसके अलावा जेंडर हो गया, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़ और वाइवा वीडियो, वीवो, क्लीन मास्टर, डी ब्राउज़र, ऐसी केडी मेडी बहुत सारी ऐप्स थी। कुछ कुल 59 ऐप्स थी जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। इससे पहले भी खबर निकल के आई थी जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने अपने यूज़र को कहा था, कुछ 52 क्या कहते हैं चाइनीज़ ऐप्स की लिस्ट दी थी, जिसकी मैंने आपको एक वीडियो भी बना के आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने यूज़र्स को कहा था कि इन ऐप्स को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिए, इन्हें यूज़ मत कीजिए, ये सिक्योर नहीं। पर अब जो खबर निकल के कल आई है उसमें तो इंडियन गवर्नमेंट ने कमाल करके दिखाया, ये सारी ऐप्स जिनका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो अब बैन हो चुकी है। जी हाँ, कह सकते हैं 2020 में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो ये जाके कुछ अच्छा हुआ है। और पूरी 59 ऐप्स की लिस्ट, जो जो चाइनीज़ ऐप जो बैन हुई है उसकी लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है इस वीडियो के, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और अगर इसमें से कोई भी ऐप्स आपके फ़ोन में है तो उसे अभी अभी अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। और दोस्तों, क्या कहते हैं लोग, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ऐप्स तो अभी भी हम इंस्टॉल कर पा रहे हैं और यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये ऑफिशियल तरीके से बैन कब हुई? दोस्तों, कल ये जो है प्रेस रिलीज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आया है, तो अभी से पूरी तरह जो है ऑफिशियली बैन होने में 24 से 48 घंटे का समय आप मान लीजिए, इतना तो लगेगा ही लगेगा। तो हो सकता है अब अभी आप ऐप यूज़ कर पा रहे हो, पर कुछ टाइम बाद ये ऐप जल्दी बंद हो जाएगी। और दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि ये जो ऐप थी ये आपके जब फ़ोन में इंस्टॉल तो आपके फ़ोन में होती थी, पर जब आप इसे ऐप को ओपन करते थे तो इसका जो इसका डेटा है वो चाइना के सर्वर्स में जाके स्टोर होता था। तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो कभी भी इन डेटा को जो ये ऐप डेवलपर हैं उनके पास से निकाल के यूज़ कर सकती थी, और ये सिक्योर बिल्कुल नहीं थी ऐप। इसी वजह से जो है इन ऐप्स को बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, शेयर तो ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।